हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं बड़े तरिया और हम घर से निकल चुके हैं और ये रायपुर से समथिंग 15 से 16 किलोमीटर दूर है, कुम्हारी के पास है बड़े तरिया। हम लोगों ने मैप भी खोल के रखा है। बस यहाँ थोड़ा सा ही दूर और है, फिर हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और हम लोग पूरा ट्रैफिक में फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वीआईपीज आने वाले हैं, फिर कोई नेता वगैरह आ रहे हैं, उसी के लिए पूरा इन लोग रास्ता जाम करके रखे हुए हैं। अब पता नहीं वो क्या है, बट क्यों रास्ता जाम है बताओ? गॉड नोस क्यों रास्ता जाम है। मुझे लग रहा है कोई वीआईपी वगैरह आ रहे हैं, इस वजह से पूरा रास्ता जाम करके रखे हुए हैं। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं बड़े तरिया के लिए, बट कोई ना, जल्द से जल्द पहुंच ही जाएंगे। सो गाइस, अब हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन पे। जस्ट 2 किलोमीटर बचा हुआ है भाई, गाइस हम पहुंचने वाले हैं। यस, फिर आप लोग को वहां का बहुत अच्छा व्लॉग दिखाने वाले हैं। हम लोग कुम्हारी पहुंच ही गए हैं। सो गाइस, ये पार्किंग एरिया है और यहाँ पे हम अपना कार जो है वो पार्क कर लिए हैं। और पार्किंग चार्जेस कितना रुपए है? टर्न लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट ऑन टू स्टेशन रोड, 20 रुपीज है। तो गाइस, यहाँ पार्किंग करने के बाद हम लोग को ऐसे सीधा जाना पड़ेगा पैदल चलते हुए, कुछ मीटर का रास्ता है। कर रहे हो कि ये पकड़ो हम कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं और कुछ दूर हमको पैदल चलना पड़ेगा, 200 मीटर समथिंग पैदल। तो शॉर्टकट रास्ता से जा रहे हैं, तो हम लोग की जो कार है वहाँ पे हम पार्क कर लिए। अब यहाँ से अपन पैदल जा रहे हैं। देखो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सब पैदल ही जा रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो जब आप यहाँ आओगे तो बहुत सारी दुकानें आपको मिलेंगी। सो गाइस, बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। अब देखो यहाँ पे पूरी कार की पार्किंग यहाँ पे इन्होंने की हुई है और हम लोग पागल टाइप वहाँ उतने दूर पार्क करके पैदल चलते आ रहे हैं। तो आप जब भी आओगे ना तो पार्किंग में मत करना, पार्क यहीं पर कर लेना, साइड में खड़ा कर देना, फालतू पैसे भी देने पड़ेंगे आपको। सो गाइस, कुछ दूर चलने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बड़े तरिया। और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज फ्रेंडशिप डे है, इसलिए भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। फिर जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच गए, सबसे पहले आपको यहाँ पर टिकट लेना होता है। आप यहाँ पर टिकट घर देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा कि 20 रुपीज़ टिकट का रेट है, जो कि यहाँ के हिसाब से सही है। और क्योंकि अगर टिकट नहीं रखेंगे तो इन लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर भीड़ हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग टिकट वगैरह कटा लिए, फिर यहाँ पे हम लोग लाइन लगाए थे और उन लोग फिर टिकट को चेक करते जा रहे थे। तो फिर हम लोग लाइन में लग गए और टिकट को चेक कराने के बाद हम लोग एंटर कर लिए थे बड़े तरिया में। तो आप इसका बाहर का व्यू देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है। और काफ़ी बड़े जगह में बड़े तरिया को बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर आपके घर में बच्चे वगैरह हैं तो आप उसे ईज़िली यहाँ पर ला सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी सारे जो फेमस फूड का स्टॉल है रायपुर में, वो सारे फूड के स्टॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मिलेट मील्स और चटोरी, चाट, गुपचुप, यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल थे। चाय का अड्डा, चाय वगैरह भी यहाँ पे आप पी सकते हो। चाइना हाउस, चाउमीन वगैरह सब चीज़ यहाँ पे था। टॉप एंड टाउन था, आइसक्रीम, साउथ इंडियन का भी काफ़ी सारे डिश था। और एक चीज़ और है गाइस कि यहाँ पे देखो ट्रेन भी है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए नहीं था, हम लोग भी उसमें बैठे थे। आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी।
तो एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो कितने बड़े एरिया में। और जब हम लोग गए थे इतना ज़्यादा गर्मी था कि धूप बहुत ज़्यादा था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था हम लोगों को वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ खाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हो चाउमीन, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, टेस्ट इतना ज़्यादा यहाँ का बेकार था ना, चाहे आप जो भी चीज़ खरीदो। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप गए हो तो मत खाना, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग टेस्ट की बात करूँ ना, तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बना था। और मतलब खाने में कोई टेस्ट नहीं था यहाँ का। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब टेस्ट किया। लास्ट में यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया यहाँ का मटका कुल्फ़ी, लेकिन लकली यहाँ का जो मटका कुल्फ़ी था उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया। ये भी हो सकता है कि बहुत गर्मी था जिस वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पर आइसक्रीम खाना। तो ये थे गाइज हम लोग कुछ कुछ खाने पीने का हम लोग का सामान। अब चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। सो गाइज आगे जो मैं आप लोगों को जो ट्रेन दिखाई थी उसका यहाँ पर टिकट घर है। तो ट्रेन में हम लोग बैठने के लिए यहाँ पर टिकट कटा रहे हैं। इसका जो भी प्राइस वगैरह होगा मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। तो एक चीज़ बता दूँ, बहुत ज़्यादा लंबा लाइन लगा था ट्रेन के लिए। तो गाइस हम बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। नहीं, बुलेट ट्रेन है क्या ये? लिखा हुआ है बुलेट ट्रेन, सॉरी किड्स का बुलेट ट्रेन। सो फाइनली गाइस हमारी ट्रेन चल चुकी है और ये है बड़े दरिया। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है। ट्रेन की सवारी करने के बाद हम लोग आगे निकल गए और यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ बहुत ज़्यादा है। बच्चों के खेलने की काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं और सही बताऊँ तो हम लोग पूरा नहीं घूम पाए। मतलब पूरा तो मैं कवर की ही हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे आप तालाब का साइज़ भी देख सकते हो। बीच में आपको बहुत अच्छा शिवलिंग भी मिल जाएगा, मतलब तालाब के बीचों बीच में शिवलिंग बनाया गया है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई है बड़े तरिया में, और पेड़ काफ़ी अच्छे अच्छे थे, गार्डन पूरा बनाया गया है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं।